हरे कृष्णा। तो भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक बढ़िया ब्रोकर का रोल बहुत जरूरी होता है। रीजन क्या है कि जैसे आपका देश का अर्थव्यवस्था इस तरह से जा रहा है, जैसे इस जगह पे आप देखो ये कोरोना का टाइम का फॉल था, अब यहाँ से निफ्टी जो है भारत का अर्थव्यवस्था इतना ऊंचाई तक जाता है तो इन्वेस्टमेंट जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि कोई बढ़िया ब्रोकर, अब यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कोई कंपनी आपने देखा और उस कंपनी का काम आपको अच्छा लग रहा है, उस आपको लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो आप उस कंपनी में थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो अब इसमें है कि आप हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट होता है अगर US के टर्म में आप देखोगे तो मिनिमम 3 साल के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म अगर जाओ तो 20 साल 25 साल 30 साल, मतलब आपका पुश्त दर पुश्त चलता है वो। तो उसके लिए एक सही ब्रोकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ब्रोकर है, कभी किसी का ये ऑर्डर में स्लिपेज तो कभी कुछ, बहुत सारा चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आज आपको एक सही ब्रोकर से आपको मिलवाऊंगा, जो मैं पर्सनली समझता हूं कि बहुत बढ़िया है ट्रेडिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और वो ब्रोकर कौन है, करीब मतलब 2-3 दशक का बढ़िया लोगों का ट्रस्ट लिया हुआ ब्रोकर है, और उस ब्रोकर का नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का फ़ायदा क्या है दोस्त, कि देखो अगर आप मार्केट में नए नए आते हो ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है कि जैसे आपको मार्केट का न्यूज़ चाहिए, अब कोई भी बहुत सारा ब्रोकर होता है उसमें न्यूज़ वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं है, अब उसके लिए कुछ और पढ़ रहे हो, मतलब रिसोर्सेस अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछो मत। तो उस जगह पे ये आपको, इनका प्लेटफॉर्म इतना सही है कि ये आपको अलग से रिसोर्सेस में आपको मार्केट का ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट का न्यूज़ कि क्या अभी न्यूज़ चल रहा है, कैसे न्यूज़ चल रहा है। प्लस जो मेरे को पर्सनली सबसे अच्छा लगा, अगर आप इसका स्टॉक मार्केट न्यूज़ में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, तो आप देखिए जैसे इन लोग क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे डेट बाय डेट, आज 28th है तो देखिए बोर्ड मीटिंग आज किसका किसका है, तो सारा कंपनी का नाम, रिजल्ट किसका है वो आपको, AGM आज किसका है, सारा कुछ, प्लस डिविडेंड किसका मिलने वाला है। जैसे आप 25th को जाइए तो देखिए डिविडेंड कितने कंपनी दे रही है, तो ये सब, तो बिगनर को ये सब जरूरी जानना है कि डिविडेंड क्या होता है कैसे होता है। तो एक ब्रोकर का काम है कि सही सलाह दे लोगों को, सही चीज़ सही नॉलेज प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारा न्यूज़ जो हम लोग इधर उधर कहीं कहीं देखते हैं पढ़ते हैं वो आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाता है। प्लस इनका जो टीम है, रिसर्च का अलग से टीम है, रिसर्च एडवाइजरी अलग से, साथ ही साथ इनका ऑफलाइन में भी इनका बहुत सारा सेंटर है, अब वहाँ से भी जा करके कोई प्रॉब्लम होता है कभी तो वहाँ से भी जा करके डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस कॉलिंग फैसिलिटी बहुत बढ़िया है इनका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब मोतीलाल ओसवाल में आराम से अकाउंट ओपन करवा सकते हो, चूँकि यहाँ पे ट्रस्ट है लोगों का, मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं जो बहुत खुश कस्टमर हैं यहाँ पे। अवार्ड्स मैं आपको मोतीलाल ओसवाल का बता दूँ कि जैसे इनका AMC भी है ठीक, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी है, तो ये कुछ कुछ स्टॉक्स का टारगेट देते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह मतलब ये देते हैं, प्रिडिक्शन चलता है कि मोतीलाल ओसवाल ने इतना का इसका टारगेट दिया है, किसी भी XYZ कंपनी है कोई तो उसका टारगेट इतना का दिया है, उसका स्टॉप लॉस इतना का दिया है। तो ये इस तरह की कंपनी, इनका रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है, जो कि आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया मदद मिल जाएगा। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री है अकाउंट ओपनिंग, फ्री है, आज का नहीं है, लाखों लोग उससे बहुत खुश हैं। अगर इस तरह का मतलब इन्वेस्टमेंट कर करके कंपनी के साथ धीरे 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 आगे बढ़ना है तो आप आराम से उसमें जा सकते हो। सही ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। तो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए और अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए जो आपको अच्छा लगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है मार्केट में कि इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में आपको खुद अपना एनालिसिस लेना है या फिर आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके बेसिस पे लेना है, ये किसी के कहने, ब्रोकर भी अगर आपको कहता है तो उसके बेसिस पे नहीं लेना है। क्योंकि एक लाइन आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया ब्रोकर है जो भी है, लेकिन आपको सब वो अपने हिसाब से सोचना है क्योंकि रिस्क अल्टीमेटली आपका होगा, पैसा आपका लगेगा, ठीक है, अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी आपको समझ में आती है तो उसमें पैसा लगाओ, लेकिन हाँ ये सेफ्टी है कि कंपनी जो है, जो ब्रोकर है वो आपको लंबे समय तक सही जगह पे ले जाएगा। कर रहा हूँ इसको, और
अच्छा है, आपको बहुत सारा न्यूज मिल जाएगा जो आप इधर उधर खोजते रहते हो कि कहाँ, जैसे टॉप गेनर, टॉप लूजर, ग्लोबल इंडाइसेस क्या कह रहा है, निफ्टी फिफ्टी, मतलब देख रहे हो इतना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि आपको मतलब कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है। बस एक है आपके पास तो आप इस पे मतलब मार्केट आवर के बाद भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ने के लिए भी अच्छा खासा इसमें रिसोर्सेस है, तो आराम से जा सकते हो भाई। बहुत सारा और भी कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ सब में अगर आप अच्छे नंबर पे कहो तो अच्छा है यार, तो आगे बढ़ सकते हैं मोतीलाल उसवाल के साथ। अपना जर्नी शुरू कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो इनका टीम भी है जो आपको हमेशा सपोर्ट में लगी रहेगी, और इनका ऑफलाइन सेंटर भी है, वहाँ से भी आप जा करके मिल सकते हो, बात कर सकते हो। ओपन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो और फ्री का ट्रेडिंग जर्नी इंजॉय कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जर्नी इंजॉय कर सकते हो। हरे कृष्णा।